हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम गर्मी का समय चल रहा है, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आपके अगर आपके फूल के पौधे आप लगाए हो या कोई भी सब्जियां जिसमें फूल आती हैं, फल फूल जो भी आता है वो फूल के माध्यम से आता है, तो अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके डबल आप फूल लेंगे और डबल सब्जियाँ लेंगे। यदि आपके नॉर्मल शो के पौधे हैं तो वो भी खूब आप काफ़ी अच्छे हरे भरे होंगे। तो बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों, आपके किचन में मौजूद है और इसे आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा। आप नाम सुना होगा आपने ईस्ट, और कहीं कहीं इसे खमीर भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा तो आपने सुना ही होगा। तो खमीर और बेकिंग सोडा जो होता है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बेकिंग सोडा है इसके बहुत सारे वीडियो आपने सुना होगा बेकिंग सोडा का, कि बेकिंग सोडा और फिटकरी, चाय की पत्ती, काफ़ी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो हम पिछले जून में हमने इसको इस्तेमाल किया था, अभी आपको हम बता रहे हैं। इसको गर्मी के टाइम पे बहुत ही फायदेमंद होता है और इसका इस्तेमाल करने का दो तरीका है दोस्तों। पहला तरीका है कि आप इसे पत्तियों पे स्प्रे करिए, और दूसरा तरीका है कि आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बस इसका जो मात्रा मिलाने का है वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। स्प्रे अगर आपको करना है तो जैसे कोई भी माप है तो एक माप ले लीजिए और एक माप पानी ले लीजिए, आप स्प्रे करिए। अगर आप जड़ में डालना है तो एक माप लीजिए और एक माप आप दो माप आप पानी ले लीजिए। अभी हम आपको करके बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये है बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ बेकिंग सोडा लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, बेकिंग सोडा ये, और ये है ईस्ट पाउडर के रूप में है, ये ड्राइड ईस्ट। और अगर आप आपको कहीं मिलता है तो ये वेट ईस्ट है, जैसे मक्खन का पैकेट आता है ऐसे ये भी रहता है, इसको फ्रीजर में रखना पड़ता है। ये हमारे पास इसलिए कि हम घर पे ब्रेड घर पे ही बनाते हैं और ब्रेड में इस्तेमाल होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जैसे आप फर्टिलाइजर आप अपने पौधों में दे रहे हैं, बहुत सारा दे रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है इंसान के अंदर भी होता है कि कहते हैं इनको खाना नहीं लग रहा है, तो कभी कभी हमारे पौधे जो होते हैं वो फर्टिलाइजर को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ईस्ट जो है ईस्ट से क्या करता है, ये जाके मिट्टी के अंदर जाके ये अगर छोटा सा कण खाद का है तो उससे डबल रूप बना देता है, उसको फुला देता है, मिट्टी को फुला देता है, सॉफ्ट कर देता है, ऑक्सीजन अंदर पास होने लगता है, और जितना भी पेड़ का जो स्वभाव है वो खाद लेने उस अपना खुराक लेने लगता है। तो जितने भी गमले के अंदर मिट्टी होती है उसके अंदर जितने भी फर्टिलाइजर पड़े हुए हैं वेस्टेज, एक खमीर या ईस्ट का काम होता है बेकिंग सोडा का, उन सबको आपके पौधों के पास पहुंचा देता है। जैसे आप ब्रेड बनाओगे, ब्रेड बिना ईस्ट का नहीं बनता है, इसके बगैर ब्रेड आप नहीं बना सकते, चाहे घर पे बनाओ चाहे बेकरी में बने, क्योंकि फिर उतना फूलता नहीं है, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए ये एक काम ही वही करता है, अगर आप इसको मिट्टी में डाल दोगे तो मिट्टी के अंदर जो भी फर्टिलाइजर है ये उसी फर्टिलाइजर को उठा के आपके प्लांट के पास भेजता है, देता है, उसको डबल रूप कर देता है और उनको जड़ों के पास पहुंचा देता है। तो बेकिंग सोडा का भी सेम स्वभाव है, तो दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही रिस्पांस हो जाता है दोस्तों। तो देखिए जैसे कि इसको बनाना कैसे है, कि जैसे अभी एक चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया, चाहे ड्राई ले लो या आप ये ले लो, और एक चम्मच आप बड़ा चम्मच आप बेकिंग सोडा लीजिए, दोनों को मिला के, जैसे मैंने देखो ये मिला के रखा हूँ, इसको आज एक हफ्ता हो गया दोस्तों, एक हफ्ते तक आप इसको बोतल में भर के आप इसको रख दीजिए। उसके बाद ये स्प्रे करना है, तो जैसे ये गिलास दिख रही है आपको, ये गिलास है, एक गिलास इसको ले लीजिए, ये जो आपका बना हुआ तैयार है, और एक गिलास उसमें पानी मिला के स्प्रे करिए। यदि आपको मिट्टी में डालना है, स्प्रे करना तो आप पत्तों पर भी करना, साथ में उसके जड़ों में भी करना,
अब आप पूछोगे मिट्टी में खाद उठा के भेजता तो पत्तों पे क्यों मारे? पत्तों पे मारने से ये पत्तों के अंदर जो सोए हुए इनके प्रोसेस होते हैं उनको उठा देता और ये अंदर मिट्टी के अंदर से जो खाद फर्टिलाइजर वो ग्रहण करने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का ये फर्टिलाइजर भी होता है और एक प्रकार का ये दवा भी होता है, दोनों काम करता है। तो आप इसको एक गिलास आपका जो भी माप होगा एक उसी माप के बराबर बराबर आप स्प्रे करिए। और आप मिट्टी में डालना है तो एक माप आप इसको पानी ले लीजिए आपका जो तैयार हुआ है ये पानी, और आप एक माप जो है दो माप आप पानी लीजिए और अपने मिट्टी की पहले गुड़ाई करके थोड़ा मिट्टी सूख जाए तब डाल दीजिए, शाम के टाइम डालिए, सुबह गुड़ाई करिए शाम को डालिए। तो अगर आप मेरा वीडियो देखना पसंद आपको पसंद आए और आप इस चीज़ को इस्तेमाल करना तो मुझे बताना ज़रूर दोस्तों कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है गर्मी के टाइम हमारे पौधे के, जो ये उठ नहीं पाते हैं धूप से जलते रहते हैं, पूरा खुराक नहीं ले पाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों यदि आप नए हो तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना प्लीज़, और यदि आप पुराने हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ दोस्तों। नमस्कार।